अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। टुडे इज 3rd of May 2021 एंड द डे इज मंडे एंड इट्स योर लेसन ऑफ सोशल स्टडीज, राइट? अब तो मेरा ख्याल है आपको आवाज सुनते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी टीचर बात कर रही है और कौन सा लेसन हमारा चल रहा है। ऐसे ही है, if people are so much involved in your studies these days also, including having fast, roza rakh le, rakh rahe hain, masha allah, bahut achhi baat hai। zahir hai ramzan hai aur ramzan mein hame bahut sari ibadat bhi karni hoti hai aur roze bhi rakhne hote hain, to hum sara kaam saath saath karte hain, theek hai? aapko bhi notebooks aa chuki hain hamare paas, चेकिंग करें, इंशाल्लाह जल्दी उनकी वापसी का इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, नोटिस दे देंगे ग्रुप्स में और आप कलेक्ट कर लेंगे, दोबारा से अपना काम शुरू करेंगे। जो भी काम आ रहा है, वैसे तो मैं ग्रुप्स में बार बार बता रही हूँ लेकिन वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए ये बात कि जो भी काम रिटर्न आ रहा है इस ड्यूरेशन में जब हमारे पास है नोटबुक्स आप लोगों की, तो उसके लिए आपकी डे जो डेट है ना वो एक्सटेंडेड होगी। उसमें जब तक हम वापस करते हैं और उसके बाद की डेट आपको दी जाएगी काम सबमिट करवाने की, ठीक है? और इसमें रिलक्टेंट आपने इस वजह से नहीं होना क्योंकि लेसन आप देखें, सुने, समझें और जब रिटन वर्क की बारी आएगी इंशाल्लाह तो फिर आप नोटबुक्स जब मिलेंगी तब कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे इस दफ़ा हम इस हफ्ते में सोशल स्टडीज से रिगार्डिंग में तो बात कर रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम आपको कॉपी वर्क में कम से कम करवाऊँ, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, राइट? राइट, गुड। अच्छा, इन आवर प्रीवियस लेसन वी हैड स्टडीड इस्लामाबाद एंड दीज डेज वी आर स्टडीइंग द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ आर डियर होमलैंड पाकिस्तान। इस्लामाबाद हमने पढ़ा, इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये आपको भी पता चल चुका है अब, दैट कराची वाज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, देन इस्लामाबाद अभी भी इस्लामाबाद ही है और इंशाल्लाह रहेगा। It was first, it's the second capital of Pakistan, ठीक है? और इस्लामाबाद की हमने लोकेशन के हवाले से, इसकी क्लाइमेट के हवाले से, वहां के लोगों के हवाले से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, वहां के पिकनिकिंग एरियाज के हवाले से, हाइकिंग एरियाज के हवाले से, मरगला हिल्स के हवाले से हमने बहुत सारी बातें भी की, पढ़ा भी और डिस्कशन के साथ इंफॉर्मेशन भी ली, ठीक है? एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी क्वाइट अवेयर विद इस्लामाबाद एंड इट्स स्पेशलिटीज up till now, right? Now today, from today onwards we are going to start our unit number 2 and that is another big city of Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa ka capital, guess kare? Peshawar, exactly, very good Mohit, aap to bade tez ho gaye bhai, Peshawar, theek hai? Peshawar is the capital city of Khyber Pakhtunkhwa. How many provinces do we have? Let's revise them first. We have Punjab, our province. सारे province हमारे हैं, सिर्फ ये बात है कि हम रहते कहाँ हैं, उसको हम ज्यादा own करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? पंजाब, सारे provinces हमारे हैं, पाकिस्तान हमारा है, पंजाब के बाद है सिंध के बाद है बलोचिस्तान, बिल्कुल सही, बलोचिस्तान के साथ है KPK, खैबर, पख्तूनख्वा, थोड़े लंबे स्पेलिंग्स हैं लेकिन आप लोगों को अब तक याद हो चुके होंगे। इसके अलावा वी हैव टू टेरिटरीज, सेल्फ गवर्न्ड टेरिटरीज, उसका क्या मतलब है कि हमारा, हमारे ही लोग हैं, हमारा ही इलाका है लेकिन वहां पे गवर्नमेंट उन लोगों की अलग है, वो है GB यानी गिलगित बल्तिस्तान और है आजाद जम्मू कश्मीर, ये स्टेट्स हैं छोटी छोटी जो कि पाकिस्तान के साथ हैं लेकिन उनकी गवर्नमेंट्स डिफरेंट बनती हैं, ठीक है? पंजाब का कैपिटल इज लाहौर इन विच वी आर सिटिंग राइट नाउ, सिंध का कैपिटल इज कराची विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान का कैपिटल सिटी क्वेटा एंड खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल सिटी इज पिशावर व्हिच इज द नेम ऑफ आर नेक्स्ट यूनिट।
ठीक है, द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान कहाँ है, कौन सा है? बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, जगह के हिसाब से, रकबे के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 60% आबादी रहती है पंजाब में, तो पॉपुलेशन वाइज पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा सबसे छोटा प्रोविंस है हमारा, सिंध और बलूचिस्तान दोनों में हमारे पास सी पोर्ट्स हैं। अब सी पोर्ट का भी कॉन्सेप्ट चले हम डिस्कस कर लेते हैं। सी पोर्ट होता है बंदरगाह, बंदरगाह बंदर नहीं होते वहां पे, लेकिन वो समंदर के साथ जो इलाका होता है, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं ना, जहां पे एरोप्लेन्स लैंड करते हैं और मतलब बाहर से आने वाले लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से लोग बाहर, और तिजारत होती है, बिजनेस होता है, वो सी पोर्ट के थ्रू भी हो सकता है और एयरपोर्ट के थ्रू भी होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सिंध और बलूचिस्तान दोनों में सी पोर्ट्स हैं, सिंध में कराची और बलूचिस्तान, सिंध में कराची के अलावा भी पोर्ट्स हैं, और बलूचिस्तान में गवादर इज मेन पोर्ट, सी पोर्ट। ठीक हो गया, अभी हम क्या करेंगे आज के लेसन में, आपको लग रहा है मैं तेज बोल रही हूँ, मुझे भी लग रहा है मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ, आई शुड स्लो डाउन माई पेस आई थिंक। ओके, लेट्स रिवाइज वंस अगेन विद अ स्लोअर पेस। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया। ठीक है, जब हम जगह की बात करते हैं, रकबे की बात करते हैं, तो बलूचिस्तान इज द बिगेस्ट प्रोविंस एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। फिर सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, बलूचिस्तान की आबादी एज कम्पेयर टू पंजाब एंड सिंध कम है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ऑन द ईस्ट इज पंजाब, ऑन द वेस्ट इज बलूचिस्तान एंड ऑन साउथ इज सिंध, राइट? ओके, नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 2, पेशावर। प्लीज ओपन अप योर बुक्स, बर्ड वॉच 3। लेट मी शो यू द बुक, बर्ड वॉच 3, पेशावर, राइट? अच्छा, बुक्स खोलें, पेंसिल्स भी अपने हाथ में रखें, ताकि हम कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो या कोई ऐसी बात हो जो याद रखनी है, बल्कि सारी बातें ही याद रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। प्लीज होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 2, पेशावर। यूनिट नंबर 2, पेशावर। अब दिस इज पेशावर, कैन यू सी दैट इस्लामाबाद इज जस्ट नियर द बाउंड्री ऑफ खैबर। इट्स इस्लामाबाद द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, हियर इज पेशावर द कैपिटल सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये उन्होंने जूम इन करके ना मैप में आपको बात दिखाई है, ठीक है। हियर इज अ मैप ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पार्ट है, एरिया है, ठीक है। उसके बाद है पंजाब, सिंध और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के साथ है जेसेंट गिलगित बल्तिस्तान और ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी जहां पे अभी इंडियन फोर्सेस का कब्जा है, ये वो इलाका है। ये फाटा है, फाटा भी आजाद इलाका है, ठीक है। वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको गवर्न नहीं करती, ये फाटा का इलाका, राइट? आपको मैप की लेबलिंग आनी चाहिए, वेयर इज पंजाब, पंजाब इज टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट बलूचिस्तान इज वेस्ट, केपीके इज नॉर्थ,
सेम इज साउथ, डायरेक्शंस के हवाले से। अभी देखें जी, स्ट्रीट सीन इन पिशावर, पिशावर में ये एक गली है वहां पे। अच्छा, आप कभी अंदरून लाहौर शहर गए हैं, कभी फूड स्ट्रीट गए हो या कभी कहीं इस तरह से रिश्तेदारों के मिलने? अगर तो गए हैं तो आपने देखा होगा कि अंदरून लाहौर में भी ऐसे ऐसे घर मौजूद हैं, ऊंचे ऊंचे और ऐसी खिड़कियां और तंग तंग गलियां इस तरह से, ठीक है। अब ये पिशावर का इलाका आपको दिखाया जा रहा है। ये मॉस्क है, अल्लाह, और ये आप देख रहे हैं ये घर है जस्ट जुड़े हुए साथ साथ, और रश एरिया है, ठीक है। ओके, पिशावर इज द कैपिटल सिटी ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा सूबा है उसका दारुल हुकूमत है। कैपिटल सिटी को दारुल हुकूमत कहते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। कदीम तरीन यानी बहुत पुराने शहरों में से एक शहर है। इट इज वन ऑफ द oldest living cities in the world. It is an important trade center between Afghanistan, Central Asia and the Middle East. ये एक अहम तिजारती मरकज है अफगानिस्तान, मिडल एशिया मतलब सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनके साथ, और मिडल ईस्ट, ठीक है। यहाँ से ट्रेडिंग तिजारत होती है, पाकिस्तान से बनी हुई चीज़ें इन मुल्कों में जाती हैं यहाँ के मुल्कों में, और यहाँ के मुल्कों से बनी हुई चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं कारोबार के लिए, तिजारत के लिए। पिशावर इज क्लोज टू द सफेद कोह माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान। पिशावर पाकिस्तान की सफेद को पहाड़ी सिलसिला जो है ना उसके करीब है। इट इज 48 किलोमीटर्स या 30 माइल्स फ्रॉम द खैबर पास। ये 48 किलोमीटर्स या 30 मील के फासले पे है खैबर पास। खैबर पास, दर्रा खैबर जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही अहम लैंडमार्क है पिशावर का, खैबर पख्तूनख्वा का। You will read more about these places in unit number 3. अब unit number 3 is mountains, ठीक है। वो हम बड़ा interesting unit है, वो जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको भी बड़ा मजा आएगा वो पढ़ के, क्योंकि बड़ा informative है। इसी तरह से सफेद को माउंटेन रेंज वगैरह के बारे में हम उस यूनिट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। द सिटी, शहर। देर आर सम वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स इन पिशावर। पिशावर में कुछ बहुत पुरानी इमारत हैं। मेनी ऑफ देम हैव कार्व्ड पैटर्न्स ऑन देम। बहुत सोम में खुदाई की हुए डिजाइन बनाए गए हैं। कार्विंग क्या होती है, जैसे लकड़ी को खोद खोद के डिजाइन बनाए जाते हैं ना, वो कार्विंग होती है, ठीक है। आपके घर में जो फर्नीचर होता है आप देखते हैं ना, उस पर थोड़े एम्बोस्ड से उभरे उभरे से फ्लावर्स वगैरह बने हुए होते हैं, या कोई भी डिजाइन बना हुआ होता है। उसको कहते हैं कार्विंग, ठीक है। या आपने कभी स्टैम्प्स देखी हो, मोहर स्टैम्प जो लगाते हैं पेपर पे, वो भी कार्विंग करके, खुदाई करके लकड़ी पे फिर बनाई जाती है, ठीक हो गया। The city once had a large wall around it with 16 gates. शहर में कभी किसी जमाने में एक बड़ी दीवार थी शहर के गेट, और इसके 16 दरवाजे थे, 16 gates. लाहौर के भी है ना, वहां के भी 16 gates. Today Peshawar is known for its markets एंड बाजार्स। आजकल पिशावर अपनी मार्केटों और मार्केट्स यानी जो बाजार और मार्केट्स हैं उनके लिए मशहूर है। देयर आर मैनी टी शॉप्स इन द बाजार्स।
where green tea called kahwa is served. बाजारों में बहुत सी चाय की दुकानें हैं जहां सब्ज चाय, जिसको कहवा कहा जाता है ना, वो पिलाई जाती है, वो दी जाती है कस्टमर्स को. पिशावरी चाय बड़ी मशहूर होती है, कभी पिए किसी ने? किस्सा खानी बाजार, किस्सा खानी बाजार, विच मीन्स मार्केट ऑफ द स्टोरी टेलर्स, इज वन ऑफ द पिशावर्स बेस्ट नोन एंड ओल्डेस्ट बाजार्स. किस्सा खानी बाजार, जिसका मतलब है कि कहानी सुनाने वालों का बाजार, वो पेशावर का बहुत पुराना, सबसे पुराना और बहुत मशहूर बाजार है, किस्सा खानी बाजार. राइट नाउ पेज नंबर 9. द बाजार्स सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, carpets, pottery, woolen clothing, carved furniture, leather goods, dried fruits, brass and copper utensils and much more. बाजार में बहुत सी चीजें बेची जाती हैं, जैसे सोने और चांदी के जेवरात, कालीन, बर्तन, ऊनी कपड़े, कार्व्ड नक्श निगारी वाला फर्नीचर, चमड़े के मसनूआत यानी चमड़े से बनी हुई चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स पीनट्स वगैरह, ब्रास और कॉपर, तांबे और ब्रास जो है वो उसके बर्तन और बहुत कुछ. ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये चौक यादगार की तस्वीर है. चौक यादगार और स्क्वायर ऑफ रिमेम्बरेंस is a famous landmark in the old part of the city dedicated to the heroes of the 1965 Indo-Pakistan war. अब ये जो चौक यादगार है, ये एक यादगार है, रिमेम्बरेंस के लिए बनाया गया है, याद दहानी के लिए बनाया गया है. एक मशहूर इमारत है शहर में, पुराने हिस्से में शहर के, जो कि 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें जो शहदा थे उनकी याद में ये चौक यादगार बनाया गया है. ठीक है, जैसे लाहौर में भी यादगार चौक है और ये स्क्वायर ऑफ रिमेम्बरेंस जो है वो बनाए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों में बनाए गए हैं, लेकिन ये सबसे पुराना कदीम है. ठीक है, और शहर के पुराने इलाके में वाक़ है ये. राइट, अभी विल स्टे टिल दिस. ओके, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे. लेट्स कम अप टू द बोर्ड एंड डिस्कस वट एवर वी हैव रेड राइट नाउ. ओके, जी अभी हमने पढ़ा है पेज नंबर 8 एंड हाफ ऑफ पेज नंबर 9. उसमें क्या क्या फैक्ट्स पढ़े हमने पिशावर के बारे में, दैट इट इज द ओल्डेस्ट सिटी. और किस पास के बारे में हमने पढ़ा है? खैबर पास. और हमने क्या पढ़ा है? खैबर पास क्यों भी इंपॉर्टेंट है बताइए मोइस. तिजारत होती है, बिल्कुल सही, ट्रेड. ठीक है, थ्रू खैबर पास. फिर हमने पढ़ा कि इसमें बहुत सारी मार्केट्स, ये मशहूर है अपने बाजारों के लिए. और अभी किस मशहूर और सबसे पुराने बाजार का जिक्र किया? किस्सा खानी बाजार. ठीक हो गया. और क्या पीते हैं वो, कौन सी दुकानें वहां पे है, वहां बड़ी अहम चीज पिलाई जाती है? कहवा. कहवा पिशावरी कहवा जो है ना, बहुत मशहूर है कहवा. ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करेंगे थ्रू ऑन अ स्लोअर पेस ताकि आपको बातें समझ में भी आए. इस वीडियो के साथ मैं एक और वीडियो लिंक शेयर करूंगी जो कि आपको पिशावर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देगा बड़े ही कलरफुल अंदाज में. ठीक है,
तो आप कोशिश करेंगे या तो इस लेसन से पहले वो लिंक देख लीजिएगा और फिर लेसन सुनिएगा और देखिएगा, या जैसे आपकी मर्जी, लेकिन वो आपको मजीद इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग पेशावर. ओके, अल्लाह हाफिज़.